Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, फ्रेंकी टेक ज्ञान में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डेवलपर ऑप्शन को कैसे अनलॉक या क्रिएट करते हैं। आज हम जानेंगे कि डेवलपर ऑप्शन को कौन से सेटिंग आते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेवलपर ऑप्शन यूज क्यों होता है और इसे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। डेवलपर ऑप्शन एडवांस यूजर के लिए काम आता है। इसे मोस्टली बिल्डर ऐप बनाने टाइम यूज़ करते हैं और डेवलपर ऑप्शन को यूज़र की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस एंड लॉक इम्प्रूव कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन हमारे भी कई काम आ सकता है, इसलिए हमें भी शायद इसे यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर हम पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए हम यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक देंगे। सेटिंग पर क्लिक देने के बाद मेरा डेवलपर ऑप्शन यहाँ लास्ट में, सेकंड लास्ट नीचे है, उस पर मैं ये ऑन दूंगा। यहाँ देखिए डेवलपर ऑप्शन के कई मेनू खुल गए हमारे। इस सारे मेनू का आज मैं आपको बताऊंगा कि सारे मेनू क्या क्या यूज़ होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले है टेक बग रिपोर्ट। नॉर्मली ये ऑप्शन डिसेबल ही रहता है, पर जब आप यूएसबी डबिंग ऑन करते हैं तब ये ऑप्शन अनेबल होता है। इस ऑप्शन पर टैप करने से आपका डिवाइस का करंट स्टेटस का एक लॉग फाइल डिवाइस में जाता है या इकट्ठा होता है। टैप करने के एक या दो मिनट बाद नोटिफिकेशन मेनू में दिखाने लगता है। जब आप इसे जिसे चाहे इसे ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। ये विकल्प कस्टम रोम और कर्नल को परीक्षण करने के लिए भी बहुत उपयोगी है और उन लोगों को डेवलपर को डबिंग के लिए भेजता है। डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड, ये एक यूजफुल ऑप्शन है। डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड के यूज़ करके आप अपने मोबाइल के डेटा को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपने इसे अनेबल कर दिया है तो जब भी मोबाइल को बैकअप या रिस्टोर करने के लिए आप मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करते हैं तो ये उस टाइम पासवर्ड एंटर करने बोलेगा। तब आप इसको पासवर्ड एंटर करके उस पर अपना डेटा को रिस्टोर या बैकअप कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप ऑफ करंट फुल बैकअप पासवर्ड ही है, मतलब अगर आप पहले यहाँ पर आ चुके हैं और पहले आपने पासवर्ड रखा है तो यहाँ पर आप पासवर्ड रख सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड नहीं रखा, पहली बार आ रहे हैं, तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दें। और यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ द न्यू पासवर्ड, मतलब पासवर्ड रखे और वहाँ पर री एंटर वही पासवर्ड यहाँ पर भी करके सेट बैकअप पासवर्ड कर दी। ये ऑप्शन कंप्यूटर पीसी से डेटा रिस्टोर होता है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इस पर ये ऑप्शन किस तरीके से यूज़ होता है। स्टे अवे, इसे हम ऑन करते हैं पहले। ये देखिए ऑन हो गया। ये एप्लीकेशन आपको सारे एंड्रॉयड वर्जन में मिल जाएगा, चाहे वो जेली बीन हो, लॉलीपॉप हो या फिर मार्शमेलो हो। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद जब तक आपका मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहेगा तब तक उस मोबाइल की स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। कभी कभी मोबाइल चार्जिंग पर लगा होता है और हम कुछ ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो, और उसकी लाइट कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और यदि आप ये नहीं चाहते कि आपका मोबाइल की डिस्प्ले बंद ना हो और वो ऑन ही रहे, तो आप उस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अनेबल ब्लूटूथ HCI स्नूप लॉग। यह एक नेटवर्क सुरक्षा विश्लेषण का ब्लूटूथ कनेक्शन के सॉफ्टवेयर के अंत में क्या चल रहा है उसकी ऑडिट करने के लिए अक्सर ब्लूटूथ HCI होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस पैकेज को कैप्चर और आवश्यकता होती है। यह विकल्प उन्हें एक स्निफिंग डिवाइस की आवश्यकता के बिना उपयोगी जानकारी देगा। लॉग डिवाइस स्टोरेज में SD कार्ड, BHS स्नूप
/hci.log में रखा जाता है, जिसे इस वायरस हॉर्क जिसे सॉफ्टवेयर के साथ विश्लेषण करने के लिए पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आप काफ़ी कह सकते हैं कि यह एक प्रो लेवल ऑप्शन है। इसका यूज़ हमारे एंड्रॉयड में तो कुछ डेवलपर के लिए काम आता है, जिससे आप इसका उपयोग ना करें तो ही बेहतर होगा। OEM अनलॉकिंग, यह फीचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका पूरा नाम है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। यह फीचर आपके एंड्रॉयड लॉलीपॉप वर्जन या उससे अधिक वर्जन में यह फीचर आपको दिखाई देगा। इस फीचर को यूज़ ये है कि अगर आप अपने मोबाइल को कस्टम रोम से अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इसे आपको मोबाइल में OEM अनलॉक ऑप्शन को एक्टिव करना होगा। प्रोसेस स्टेटस, फोन में करंटली कितने ऐप्स किस टाइम से अब तक बैकग्राउंड में एक्टिव है उसकी जानकारी देता है। इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पर ये 1 hours और 40 minutes बताते हैं, मतलब अगर आपका मोबाइल आपने बंद करके चालू किया होगा तो तब का ये टाइम बताता है। मैंने 1 hour पहले अपना मोबाइल रिस्टार्ट किया था तो तब का ये टाइम बता रहा है। और इसके आप जैसे नीचे जाओगे कि आप कितना यूज़ हो रहा है आपका हर एप्लीकेशन के साइड, कितने परसेंट में यूज़ हो रहे वो बता रहा है। और ऊपर जाते समय ये ग्रीन पर मैं क्लिक दूंगा। यहाँ पर ये नॉर्मल देखिए वही अब मैंने रिस्टार्ट किया था उसका मोबाइल का ये टाइम बता रहे, और उसमें आपका मोबाइल के सारे एप्लीकेशन कितने MB कितना RAM यूज़ कर रहा है वो आपका उसका सारा चीज़ बता रहा है। USB डबिंग, यह ऑप्शन कंप्यूटर के USB पोर्ट से डेटा केबल से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके ADB मतलब कि एंड्रॉयड डबेड ब्रिज के थ्रू डिवाइस में कमांड भेजता है। USB डबिंग ऑफ रहने से हम केवल डेटा ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस ऑप्शन से ही आपके स्मार्टफोन को कंप्यूटर के जरिए सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। और जैसे कि अगर आपको अपने मोबाइल स्क्रीन को कंप्यूटर में दिखाना हो तो आप USB डबिंग ऑप्शन को ऑन करना होगा। मोबाइल स्क्रीन कंप्यूटर से कैसे शुरू करते हैं इसका मैं आपसे अलग का एक पूरा वीडियो डिटेल में आपको बता दूंगा। रिवर्क USB डबिंग ऑथोराइजेशन, जब आप पहली बार USB पर अपने डिवाइस को डबिंग करने के लिए PC का उपयोग करते हैं तो इसका RSS कुंजी फिंगरप्रिंट का उपयोग करके कनेक्शन को सिक्योर करना होगा। इस विकल्प पर टैप करके आप सभी प्राधिकरणों को निश्चित कर दिया जाएगा, और अगली बार जब आप PC पर डबिंग कर रहे हो तो कनेक्शन को फिर से एंटर करना होगा। बग रिपोर्ट शॉर्टकट, मैंने पहले बताया कि बग रिपोर्ट क्या काम आता है। यह ऑप्शन बस उसका शॉर्टकट कैसे बनाते उस पर आधारित है। यह ऑप्शन को आप ऑन करने से आप अपने पावर बटन को शॉर्टकट की बना सकते हैं। अलाउ मॉक लोकेशन, यह ऑप्शन आपको मैन्युअली लोकेशन इंफॉर्मेशन के बारे में लिखने की इजाज़त देता है। यह ऑप्शन बड़े काम का है। अगर कोई ऐप लोकेशन का परमिशन मांगता है और वह ऐप ट्रस्टेड नहीं है तो आप उसे फेक लोकेशन यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। इसका यूज़ आपको फेक लोकेशन क्रिएट करने में भी आता है। इसे हेल्प से आप फेक लोकेशन बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया इनसाइट पर शेयर कर सकते हैं। घर बैठे आप अमेरिका, पेरिस या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपका अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको एक और टूल की ज़रूरत पड़ेगी, फेक लोकेशन, जिसे आप प्ले स्टोर में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनेबल व्यू एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन, यह ऑप्शन डबिंग के लिए उपयोग किया जाता है।
इसमें उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से विशेष जानकारी तक पहुंच सकते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम मैनेजर के विचारों को गुणों को निर्देशक करता है ये सिस्टम। इससे हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होने वाला, इस ऑप्शन को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे। सिलेक्ट डबड ऐप, यह विकल्प आपको डबिंग करने के लिए ऐप चुनने देता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यह केवल डेवलपर के लिए एक प्रो विकल्प भी है। इसलिए आप इस विकल्प पर वापस कदम उठाना चाहेंगे जब तक कि आप ऐप विकास में कदम उठाने की योजना बना रहे हो। डेवलपर्स के लिए यह विकल्प उन्हें यह सुनिश्चित कर देगा कि उनका ऐप कंप्लीट से चल रहा है कि नहीं। इस पर हम अगर क्लिक देंगे तो ये देखिए सिलेक्टेड ऐप, हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ नथिंग बता रहा है। ओके, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। एंड्रॉयड का डेवलपर कोई एप्लीकेशन डेवलप करते उनके लिए ये ऑप्शन मायने रखता है। वेट फॉर डबगर, जब तक आप एक डबिंग ऐप नहीं चुनते तब तक ये विकल्प ऑफ ही रहेगा। ये विकल्प ऐप को तब तक चलाए रख सकता है जब तक आप डबर से जुड़े हो, डिसेबल ही रहेगा जब तक आप इस सिलेक्टेड ऐप सिलेक्ट ना करें। वेरीफाई ऐप ओवर यूएसबी, मैनुअल रूप से या यूएसबी के माध्यम से सामग्री इंस्टॉल करना आपके डिवाइस में दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, जो आपके डिवाइस को काफ़ी प्रॉब्लम भी ला सकता है जैसे कि वायरस के तरीके से। इसलिए ये ऑप्शन डिवाइस के लिए संवर्धित रूप से हानिकारक होता है। गूगल इसके बारे में स्कैन करता है और एक बार यह विकल्प समक्ष हो जाने पर जब भी आप ADV कमांड का उपयोग करके इंस्टॉल करने का प्रयास करते हो तो आपका एप्लीकेशन स्कैन करेगा। हम इस विकल्प को समसंग करने की सलाह देते हैं क्योंकि इस ADV कनेक्शन से सुरक्षा होती है। वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेट, वाईफाई एयरलाइंस वाईफाई डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के निर्देश पर विनिर्देशों के लिए वायरलेस डिस्प्ले प्रमाण करता है। उन्नत कॉन्फ़िगरेशन नियंत्रण के सेटिंग संक्षिप्त करता है। ये एक सर्टिफिकेट देता है एंड्रॉयड 4.4 के या उससे ऊपर कर, जिसपे वो ये आपका सर्टिफिकेट शो करेगा। ये हमारे इससे कुछ काम नहीं आती, जस्ट उसका मैनुअल तरीके से काम आता है। अनेबल WLAN वेरबोज लॉगिन, मतलब कि प्रत्येक वायरलेस नेटवर्क का SSID के लिए वाईफाई लॉगिन स्तर बढ़ता है, जो आप इससे सापेक्ष प्राप्त सिग्नल से के अनुसार कनेक्ट करते हैं तो लॉगिन के बारे में अधिक जानकारी देता है, और वो भी लोकेट के साथ। अग्रेसिव WLAN टू कैलकुलेट हैंडओवर, यह फीचर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस फीचर को एक्टिव करने से क्या होगा हम आपको बताते हैं। इस फीचर से एक्टिव करने के बाद आपका मोबाइल में वाईफाई नेटवर्क वीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नेट ऑन हो जाएगा। ऐसे ये ऑप्शन इस तरीके से काम करता है, जब आप कोई मूवी डाउनलोड या फिर कोई बड़ी फाइल मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हो तो आप चाहते हो कैंसिल ना हो तो आप ऑटोमेटिक आपका नेट भी ऑन हो जाए, तो ये ऑप्शन तब काम आता है। ये ऑप्शन ज़्यादातर हमें मोबाइल अपडेट या बड़े मूवी या फाइल डाउनलोड करने पे भी काफ़ी काम आ सकता है। ऑलवेज अलाउ WLAN रोम स्कैन, आपको जब लगे कि आप वाईफाई कवरेज के जोन से किनारे पर हो तो यह बहुत उपयोगी होता है। इससे वाईफाई तेज़ी से स्विच कर लेता है, मतलब एक वाईफाई से दूसरे वाईफाई के तेज़ी से कन्वर्ट कर सकता है, जिससे आपको नेट सर्फिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। लॉगर बफर साइज, यह विकल्प आपको 64 से 16 MPL पर मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं, देखिए 64 के, 256 के, 1 MBPS, 4 MB और
16 MB। यह ऑप्शन आपके डबिंग के लिए बफर आकार बढ़ाने की अनुमति देता है। बफर आकार के आपका कंप्यूटर ऑडियो रिकॉर्ड करते समय आपका साउंड कार्ड का आने वाली जानकारी पर संसाधित करने का कुछ समय चाहिए। यह ऑप्शन आपका अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या डालते हो तो उसका लोडिंग ज़्यादा रखने के लिए यह ऑप्शन काम आता है। शॉर्ट टचेस, जैसे कि दोस्तों नाम से पता चल ही रहा है कि इस ऑप्शन के मदद से आप अपने मोबाइल स्क्रीन में कहां पर टच कर रहे हो पता चल जाएगा। जब आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो तो स्क्रीन पर कहां कहां टच कर रहे हो वो शो करेगा। अगर आप एक YouTube क्रिएटर है तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। उसका यूज स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो। शॉर्ट टचेस एक्टिव करने पर आप जहां जहां टच करते हो वहां वहां एक पॉइंट शो होता है। इससे आपको व्यूअर्स को आसानी से पता चल जाएगा कि आप कहां टच कर रहे हो। मैं आपको एक डेमो बताता हूं। ये देखिए, मैंने इसको पहले ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद ये देखिए, मैं जैसे कि यहां बैक पर जा रहा हूं तो ये देखिए, मैं जहाँ जहाँ टच कर रहा हूँ वहाँ वहाँ ये ऑप्शन बता रहा है। जैसे कि ये देखिए, पॉइंटर लोकेशन, इसको एक्टिव करने पर मोबाइल स्क्रीन पर सबसे ऊपर स्टेटस बार पर एक्स वाई का ग्राफ बन जाता है। आप स्क्रीन पर जहाँ जहाँ टच करते हो वहाँ वहाँ लोकेशन दिखता है कि किस एंगल में टच हुआ है और वहाँ पर मार्क भी हो जाता है। इसको मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले हम इसको ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद मैं जैसे कि यहाँ पर टच करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर टच किया, ऐसे करके मैंने माउस प्रेस करके ऐसे किया तो यहाँ पर ऑप्शन बता देता है। और ये देखिए, एक्स और वाई का ऊपर स्टेटस बार पर इसने ऑप्शन बता दिया कि कितनी गति से हमें स्पीड से टच कर रहा हो, कैसे टच कर रहा हो, ये सब सिस्टम यहाँ पर बता देता है। शो सरफेस अपडेट, इस ऑप्शन को अनेबल करने से जब आप किसी भी ऐप या सेटिंग पर टच, स्क्रॉल या स्वाइप करेंगे तो पूरा स्क्रीन पिंक कलर से कवर हो जाएगा। इस ऑप्शन को यूज ना करें बिकॉज इस ऑप्शन से आपको डिस्टर्ब बहुत होगा। पर इस बार मैं आपको डेमो करके बता देता हूँ। जैसे इस ऑप्शन को मैंने ऑन कर लिया, ऐसे ही देखिए, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखिए, ये पिंक कलर से पूरा स्क्रॉल डाउन हो जाता है। इस ऑप्शन को हम वापस ऑफ कर लेते हैं, ये देखिए। शो लेआउट बाउंड, मतलब कि शो लेआउट बाउंड्रीज। दोस्तों आप जब इसे एक्टिव करते हैं तो आपके मोबाइल का हर वैल्यू पर बाउंड्री बन जाता है, मतलब कि मोबाइल का हर लेटर, ऐप आइकॉन, स्टेटस बार, बैटरी आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन या टाइमलाइन सब बाउंड्री से घिरा रहता है। दिखने में तो ये उतना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी आप फ्रेंड को प्रैंक कर सकते हो या उनको बता सकते हो कि उनके मोबाइल में कैसे कैसे ये अलग अलग फीचर हो गए। जैसे कि मैं आपको एक बार डेमो बताऊंगा। ये देखिए, पहले मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए, सारे के सारे पूरे कंप्लीट टू कंप्लीट बाउंड्री बन गया। इसको मैं बीच में दबा देता हूँ, ये देखिए, सारे एप्लीकेशन नोटिफिकेशन बार सब पे बाउंड्री बन चुकी है। ये देखिए, अंदर भी बाउंड्री बन चुकी है। अब वापस हम उसको ऑफ कर लेते हैं। अब हम इसे ऑफ कर लिया, ये देखिए, जैसे था वो ऐसा नॉर्मल हो गया। फोर्स आरटीआई लेआउट डायरेक्शन, फोर्स आरटीएल लेआउट डायरेक्शन। दोस्तों इससे एक्टिव करते ही आपका पूरा मोबाइल स्क्रीन राइट से लेफ्ट टर्न हो जाएगा। इससे आप अपने मोबाइल को एक नया लुक दे सकते हैं। आपने उर्दू में लिखे हुए वर्ड तो देखे होंगे, ये भी उर्दू जैसा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। स्टेटस बार, बैटरी आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन या टाइम सब कुछ राइट से लेफ्ट हो जाएगा इस ऑप्शन के मदद से। आप ये देखें, मैं आपको एक बार इसमें डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑन किया,
ये देखिए मेरा स्क्रीन राइट से लेफ्ट हो गया, ये आप देख सकते हो। वही चंचल शौक